हेलो, दिस इज़ द लेसन बायो मॉलिक्यूल्स केमिस्ट्री 12th स्टैंडर्ड चैप्टर 14। बायो मॉलिक्यूल्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच फॉर्म द बेसिक्स बेसिस ऑफ लाइफ, दैट इज दे बिल्ट अप द लिविंग सिस्टम एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ग्रोथ एंड द मेंटेनेंस। बायो मॉलिक्यूल्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो लाइफ का बेस है और जो हमारे लिविंग सिस्टम को बिल्टअप करते हैं और रिस्पॉन्सिबल है उसके फंक्शंस और ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो पहला ग्रुप है बायो मॉलिक्यूल्स में, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एल्डोसेस और कीटोन्स कीटोसेस आर द कंपाउंड्स विच ऑन द हाइड्रोलिसिस गिव दिज यूनिट्स आर नोन एज द कार्बोहाइड्रेट। क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, पोलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड से हैं मतलब एल्डोसेस से, कीटोन से मतलब कैओसिस से कैटोसिस है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड सेक्राइट्स। इनको क्या बोलते हैं? सेक्राइट्स बिकॉज दे कंटेन सेक्रीन। ओके, लैटिन सेक्रम इक्वल टू सुगर। कहाँ से आया सेक्राइट्स? सेक्रम मीन्स लैटिन वर्ड सेक्रम है मीन्स सुगर। ओके, ड्यू टू द स्वीट टेस्ट ऑफ द सिंपलर मेंबर्स। इसके सिंपलर मेंबर्स का टेस्ट जो होता है वो स्वीट होता है। कॉटन को आप मुंह में लोगे स्वीट टेस्ट नहीं आएगा। आया समझ में? किसी पेड़ की छाल को लोगे स्वीट टेस्ट नहीं आएगा, पर सारे क्या है? फॉर्म कार्बोहाइड्रेट के ही हैं। डिपेंडिंग अपॉन देयर बिहेवियर टुवर्ड्स द हाइड्रोलिसिस कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी ऑफ फॉलोइंग थ्री टाइप्स। अगर उनके बिहेवियर और हाइड्रोलिसिस को देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट थ्री टाइप्स के होते हैं, मोनोसेक्राइड्स। दिस कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज टू सिंपलर मॉलिक्यूल्स एंड फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टेट्रोजेस पेंटोजेस हेक्सोजेस डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। देखिए, जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं, हाइड्रोलिस टू सिंपल सिंपलर मॉलिक्यूल है जो फर्दर डिवाइड हो जाते हैं किसमें? टेक्टोसेस में, पेंटोसेस में, हेक्सोसेस में। कैसे होगा? ये डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल्स कितने हैं। अगर सिक्स है, सी सिक्स हो गया तो हेक्सा हो जाएगा, ठीक है। सी फाइव हो गया तो पेंटा हो जाएगा, ठीक है। अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम दीज आर ऑल्सो कॉल्ड होमोपोलीसेक्राइड्स। इनको होमोपोलीसेक्राइड्स भी बोलते हैं। होमो इसलिए बोलेंगे कि उनका जो एक्चुअली में जो स्ट्रक्चर होगा वो लगभग लगभग सेम होगा। एल्डो टेट्रोसेस जो है एरिथ्रोज है थेरोज है, एल्डो पेंटोसेज है जाइलोज है राइबोज है, एल्डो हेक्सोज है ग्लूकोज है और गैलेक्टोज है, एंड कीटो हेक्सोजेस है फ्रक्टोज है ना। फ्रक्टोज मतलब कीटोन, ठीक है। ऑल नेचुरली ऑकरिंग मोनोसेक्राइड्स बिलोंग टू द डी सीरीज। जो जितने भी नेचुरल ऑकरिंग कार्बोहाइड्रेट्स है मोनोसेक्राइड्स है वो डी सीरीज को बिलोंग करते हैं। ओलिगोसेक्राइड्स, ग्रीक ओलिगोज मीन्स फ्यू, ओलिगो का मतलब होता है बहुत कम। ऑन हाइड्रोलिसिस दे जनरली गिव टू नाइन मोनोसेक्राइड्स, दो से लेके नाइन में टू से लेके नाइन मोनोसेक्राइड तक सेम ऑफ द डिफरेंट एंड आर फर्दर क्लासिफाइड एज द डी सेक्राइड्स सुक्रोज माल्टोज लैक्टोज। माल्टोज किस में होता है? वीट में, ठीक है। ट्राइसेक्राइड्स इज सो ऑन द C12H22O11 इज अ डाइसेक्राइड्स बिकॉज इट गिव्स टू मोनोसेक्राइड्स। ये टू मोनो, जब इसका डिकम्पोजिशन होता है तो ये टू मोनोसेक्राइड्स देगा। कैसे देगा? ये क्या करेगा? C12H22O11+H2O, इसको डिसिंथेसाइज किया तो क्या दे देगा? C6H12O6 देगा। इधर दे देगा C6H12O6, दो दे दिया। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू मोनोसेक्राइड्स इज कॉल्ड ए ग्लाइक्लोसिडिक बॉन्ड एंड नॉर्मली इट इज 1-4 बॉन्ड। सुक्रोज इज द मोस्ट एबंडेंट इन प्लांट्स एंड नोन एज केन सुगर। सुक्रोज सबसे ज़्यादा पाया जाता है और उसको केन सुगर बोलते हैं। सुगर केन में सुक्रोज होता है, ठीक है। एंड
sugar of the invert sugar is a equimolar mixture of the glucose and fructose is obtained by the hydrolysis of the sucrose. और fructose sucrose का hydrolysis कर देते हैं तो मिलता है, ठीक है. देखिए उसका यहाँ पे वो भी दिया हुआ है पूरा स्ट्रक्चर ऑफ द सुक्रोज. सुक्रोज का स्ट्रक्चर जो है दोनों तरफ इसमें एक HO H2C बांड बना हुआ है. H यहाँ जुड़ा हुआ हेलिकल है वो, और इधर जो है दोनों तरफ एक तो हेक्सागोनल है और इससे पेंटागोनल है, ठीक है. CH2OH दोनों तरफ है और इसके 6-6 मॉलिक्यूल है, ठीक है. द ट्राइसेक्राइड रेफिनोज C18H32O16 प्लस 2H2O प्लस आयन देंगे ग्लूकोज फ्रक्टोज और गैलेक्टोज सब बनेगा पॉलीसेक्राइड्स. देर आर द पॉलीमर्स ऑफ द मोनोसेक्राइड्स. एग्जांपल्स आर द स्टार्च सेलुलोज और ग्लाइकोजन एक्सेट्रा. स्टार्च स्टार्च का फार्मूला C6H10O5 और ब्रैकेट के बाहर N, मतलब इसके मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, ठीक है. इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ ए ग्लूकोज एंड अ मेजर रिजर्व फूड इन द प्लांट. सबसे जो फूड रिजर्व होता है स्टार्च के रूप में प्लांट्स में रहता है. इट टर्न्स ब्लू विथ आयोडीन. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ द टू कंपोनेंट्स. ये अगर आयोडीन के साथ मिक्स किया जाए तो ब्लू देगा कलर, और मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट्स होता है एमाइलोज 20% एंड अनब्रांच्ड वाटर सॉल्युबल पॉलीमर. एमाइलोपेक्टिन 80% होता है ब्रांच वाटर इनसॉल्युबल पॉलीमर. काय की सुक्रोज ऑफ स्टार्च आर द पोटेटोज व्हीट राइस मैज एक्सेट्रा. सुक्रोज ऑफ स्टार्च क्या है? पोटेटो में होता है, व्हीट में होता है, राइस में होता है, मैज में होता है, ठीक है. इसके पूरे फार्मूला स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहाँ पर कंप्लीट, और ये आपको लर्न करना पड़ेगा. स्ट्रक्चर ऑफ द एनाइल, ठीक है. और नीचे दिया है स्ट्रक्चर ऑफ द अमेलोज सेलुलोज C6H10O5N. देखिए उधर भी यही था, ठीक है. इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट एंड द स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड ऑफ द प्लांट्स. पॉलीसेक्राइड मतलब जिसमें जो सेक्रीन है उस नंबर ज़्यादा हो उसके, ठीक है. इट इज़ इम्पोर्टेंट फूड सोर्स ऑफ द सम एनिमल्स. इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ द डी प्लस बीटा ग्लूकोज, ठीक है. द चीफ सोर्सेस ऑफ द सेलुलोज आर वुड कंटेंस 50% सेलुलोज रेस बींग लिग्निन रेजिन एक्सेट्रा एंड कॉटन कंटेंस 90% सेलुलोज रेस्ट बींग फैट्स एंड द वैक्सेस, ठीक है. चलिए आप